हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर का मतलब तो पहले ऐसा हो गया कि जब आप अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, मम्मी पापा को लेटर लिखो तो उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। सो अभी वो लेटर किस हिसाब से लिखे जाए उसके बारे में बात करते हैं। इनफॉर्मल लेटर कुछ इस हिसाब से है, पहले आपको सेंडर का एड्रेस मीन्स आपको आपका एड्रेस लिखना है, फिर आपको नीचे की लाइन में लिखना है डेट। यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर दी हुई है कि अगर आप इतना लिखोगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। फिर आपको एक लाइन लीव करके सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में डियर पापा, डियर फ्रेंड, जो आपको सैल्यूटेशन डालना है वो डाल सकते हो। और फिर लाइन छोड़ के आपको बॉडी क्रिएट करनी है, दैट हाई हाउ आर यू, आई एम फाइन ओवर हियर। और वैसे करके आपको कॉन्टेंट लिखना है दो पैराग्राफ में, जिसके 6.5 मार्क्स होंगे। एंड फिर आपको एंडिंग लाइन छोड़नी है जिसमें एक कंक्लूजन हो, एक रिगार्ड्स हो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके दोस्त के लिए। और फिर नीचे एक लाइन लीव करके आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है, दैट इज़ योर लविंगली। और फिर आपको नीचे लास्ट लाइन में आपको फर्स्ट नेम लिखनी है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ ऑफ अ फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर जनरली हमारे रिस्पेक्टेड डियर टीचर्स या रिस्पेक्टेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो हाई अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, उसके लिखने के तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं। पहले एड्रेस में आपको लिखना है आपका एड्रेस, लाइन लीव करके आपको डेट डाल दी है, फिर लाइन लीव करके आप जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालना है। सपोज अभी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, और फिर आप जहाँ पे जो सिटी में रहते हो वो सिटी का नाम। और फिर लाइन लीव करके आप कौन से मैटर पे लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा विद अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स। लगभग 4-5 वर्ड में आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप अंदर क्या लिखने वाले हो। नेक्स्ट फिर एक लाइन लीव करके आपको सैल्यूटेशंस डालना है। सैल्यूटेशन का मतलब हो गया दैट इज़ अ रिस्पेक्टेड सर। फिर आपको बॉडी क्रिएट करनी है, दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट, आपके जो रीजंस इज है वो आपको लिखने हैं दो पैराग्राफ में। एंड फिर एंडिंग करनी है, एंडिंग में आप थैंक यू सो मच, और आप ऐसा लिख सकते हो कि होप यू जस्ट सीन दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, इफ़ यू जस्ट रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे एक कंक्लूजन डालना बहुत ज़रूरी है। और फिर नीचे आपको आपका सब्सक्रिप्शन लिखना है, योर फेथफुली, योर ट्रूली, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन कि आप क्या हो, एक सिटीजन हो, एक स्कूल के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप एक कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से। एक इनफॉर्मल लेटर किस हिसाब से लिखा जाए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एड्रेस डाला हुआ है। एड्रेस में आपने ध्यान से देखा होगा तो पहले बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग है उसका ABC वो डाला है, फिर बिल्डिंग के अंदर आपके फ्लैट का नंबर डाला है और आपके कॉम्प्लेक्स का नंबर, सोसाइटी का नंबर डाला है। लाइन लीव करके आप जहाँ पे रहते हो वो डाला हुआ है भटार, और फिर सूरत करके उसका पिन कोड डाला है। लाइन लीव करके आज का जो डेट है वो डाला है, फिर लाइन लीव करके आपको डियर, जो भी आप जिसको लेटर लिख रहे हो, यहाँ पे ब्रदर को लिख रहे हैं, सो डियर ब्रदर। पढ़ते हैं हम लोग कॉन्टेंट दो पैराग्राफ में, हम लोग क्या लिख सकते हैं। येस्टरडे आई रिसीव अ लेटर फ्रॉम द मॉम एंड आई एम ग्लैड टू नो दैट एवरी वन इज़ गुड दैट। मुझे आपका लेटर मिला, मम्मी का कल लेटर मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर सब ठीक है। शी ऑल्सो मैंशन दैट यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट नाउ डेज। मम्मी ने यह भी लिखा था कि तुम आजकल लेटर, मतलब आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। डियर आई वॉन्टेड यू अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो उसकी बहन अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है कि किस हिसाब से स्पोर्ट्स हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेकिंग पार्ट इन दैन स्पोर्ट इज़ नाइस एक्सरसाइज विद द रिक्रिएशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। वो समझा रही है उनको लेटर में दूसरे पैराग्राफ लेके कि किस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी को रिक्रिएट करने में भी लेटर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भजवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना योगदान देते हैं। यू विल डेवलप स्ट्रॉन्ग मसल्स, बोन्स विल बी हेल्प यू टू इंक्रीज योर हाइट। बोन्स इंक्रीज होंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मसल्स डेवलप होंगे। थोड़े रीजनसेस भी लिखे हुए, स्पोर्ट्स ऑल्सो मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प यू अडॉप्ट द सोशल स्किल। आप अच्छे से बिहेव करोगे लोगों के साथ एंड योर गुड परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट में डेवलप योर करियर। उसकी वजह से आपके करियर को भी एक ब्रेक मिल, करियर को भी एक बूस्ट मिलेगा और करियर भी इंप्रूव होगा। लास्ट कंक्लूजन में लिखा हुआ है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन अवर लाइफ एंड स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट एक्टिविटी, ताकि आप अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन लो अच्छे से। एंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड डैड, यहाँ पे कंक्लूजन डाला है कि प्लीज़ मेरी याद देना मम्मी पापा को, आई मिस यू टू मच। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। एक लाइन लीव करके आपका सैल्यूटेशन डालना है, यहाँ पे हो गया आपका सब्सक्रिप्शन डालना है, योर लविंगली, और आपका नाम। अभी नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मल लेटर किस हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इमेजिन योर सेल्फ एज अ चार्ज ऑफ अ टूर एंड एक्सर्शंस डिपार्टमेंट एंड योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ एजुकेशनल ट्रिप टू चॉकलेट फैक्ट्री। आपकी स्कूल जो है चॉकलेट फैक्ट्री की एक ट्रिप लेने वाली है। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री सीकिंग हिज परमिशन टू विजिट द फैक्ट्री। आपको
चॉकलेट के एक फैक्ट्री के जो मैनेजर है आपको उसको लेटर लिखना है और परमिशन मांगनी है कि क्या हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे। पहले तो आपका एड्रेस डालना है, स्कूल खुद लिख रही है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटास ऑफ SDA स्कूल अथवा लाइन सूरत, लाइन लीव करके आज की एड्रेस, लाइन लीव करके द मैनेजर या फिर द प्रिंसिपल आप जिसको डाल रहे हो उसका, सुमूल चॉकलेट फैक्ट्री वराछा सूरत और उसका पिन कोड, एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट, इतना शॉर्ट सब्जेक्ट लिखना है, सिकिंग परमिशन टू विजिट योर फैक्ट्री, लाइन लीव करके रिस्पेक्टेड सर या फिर सिर्फ सर, आई अंडर साइंड द सूरज सुजल मेहता, उन्होंने बोला कि मैं सुजल मेहता हूँ, हेड बॉय ऑफ अ क्लास 8 ऑफ मेंटल्स ऑफ SDA स्कूल, वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन टू कम एंड विजिट योर फैक्ट्री। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमें परमिशन दीजिए कि हम आइए और आपकी चॉकलेट फैक्ट्री को विजिट करें। फिर दूसरी लाइन बनानी है, वी आर प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट ऑन सेफ्टी रेगुलेशन इन द फैक्ट्री, हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है कि हम लोग किस हिसाब से फैक्ट्री में जाए तो किस हिसाब से सेफ्टी रेगुलेशन से वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आप कर रहे हो। सो अवर ग्रुप हैज़ डिसाइडेड टू विजिट योर फैक्ट्री फॉर दिस, आई अश्योर यू दैट मी एंड माई ग्रुप विल नॉट कॉज एनी इनकन्वीनियंस एंड इनडिसिप्लिन्स, विल मेंटेन एट ऑल द टाइम, उन्होंने बोला कि हम लोग कोई भी मिसबिहेवियर नहीं करेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। वी वुड लाइक यू टू विजिट 10th August 2020 बिटवीन 10 to 11 AM, यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया हुआ है, डे भी मेंशन किया कि हम लोग ये टाइम पे आएंगे, इट विल बी कन्वीनियंट इफ़ इट विल बी कन्वीनियंट टू यू, आप पूछा भी है कि अगर ये आपको कन्वीनियंट है, और यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग डाल दी है, काइंडली अलाउ अस टू विजिट द फैक्ट्री एज इट विल बी इंक्रीज अवर नॉलेज, कि प्लीज़ हमें अलाउ कीजिएगा क्योंकि ये हमारे नॉलेज को इंक्रीज करेगा, इट विल बी गुड इफ़ यू ग्रांट अवर रिक्वेस्ट, हमें मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे। लाइन लीव करके एक आपको क्लोजर डालना है, दैट इज़ अ थैंकिंग यू, एक लाइन लीव करके आपका सब्सक्रिप्शन, योर फेथफुली, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन क्या है स्कूल में, हेड बॉय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।